अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस रमशा खान फ्रॉम द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान गुलिस्तान जौहरी कैंपस से। ये जो वीडियो है आज की वो मेरी क्लास 8 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 11 बुक का मैट्रिसेस। अच्छा, मेन टॉपिक इस प्रेजेंटेशन के होंगे कि हम मैट्रिक्स होता क्या है, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सब होते क्या हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और दो कंडीशन जो ऐसी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एंड हाउ टू एड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें आपके एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें तीन रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं। तो एक में बता पूछना है कि आपका फोर कौन से कॉलम में है, सेवन कौन से कॉलम में है, फोर कौन सी रो में है, कॉलम का रॉ नंबर और एट का कॉलम नंबर क्या है। तो अब मैथमेटिक्स में हम कभी कभी क्वांटिटीज को ऐसे अरेंज करते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मैट्रिसेस हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। मैट्रिसेस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर का, एक ऑर्डर होता है उसके हिसाब से मैट्रिक्स आपका क्वांटिटीज़ बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मिलकर बनता है। क्वांटिटीज़ जो लिखी होती है इट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज आपकी क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम्स आपके वर्टिकल्स आती हैं। कॉलम्स आपको पता होगा कि देखिए जैसे इस ग्रिड में आपकी तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो इस तरीके से ये इस तरीके से होता है आपका रोज और कॉलम। आपको एग्जांपल दी हुई है कि इसमें मतलब कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है, देखें फर्स्ट रो में आपके थ्री और फोर है, सेकंड रो में आपके टू और फाइव है, फर्स्ट कॉलम में थ्री और टू हैं, और सेकंड कॉलम में आपके फोर और फाइव हैं। वैसे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं कि आपको तीन पाँच छः एग्जांपल्स, चार पाँच एग्जांपल दी हैं, इसमें आपको कॉलम्स और रोज की दी गई है कि मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल होता है, लाइक उसको ए कैपिटल बी, ये नोटेशन कहलाती है मैट्रिक्स की। सो एग्जाम्पल, अगर ए आपका वन और टू है और बी आपका वन सो ऑन, ये तो ये आपका इस तरीके से मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से शो होता है। नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रॉ और कॉलम जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं वो ऑर्डर कहलाते हैं। ये अभी हमने पिछले रॉ की बात की थी, ऑर्डर होता है आपका एक मैट्रिक्स में। व्हेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड, द नंबर ऑफ रॉज ऑलवेज रैंक फर्स्ट बाय द नंबर ऑफ कॉलम। आपके रोज के नंबर पहले लिखे होते हैं, कॉलम के नंबर बाद में लिखे होते हैं, और ऑर्डर ऐसे निकलता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं कि पहले हम रो का नंबर लिखेंगे और फिर हम कॉलम का नंबर लिखेंगे। जैसे ये आपको पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है वन और टू के, मतलब इसमें क्या है आपका, वन आपका कॉलम रोज का नंबर है और टू आपका कॉलम का नंबर है, इस तरीके से लिखा जाएगा। सिमिलरली बी मैट्रिक्स जो है, देखिए इसमें आपके तीन कॉलम्स हैं और दो रोज हैं, तो इसका ऑर्डर टू इज टू 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 इज टू टू मल्टीप्लाई बाय थ्री होगा। ये इस तरीके से पढ़ा जाता है टू बाय थ्री, ये टू एस टू थ्री, ये तो रोशो पढ़ता है, तो ये पढ़ा जाता है टू बाय थ्री, इसका ऑर्डर इस तरीके से पढ़ता है। जो आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं इसमें, आपको द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन लेटर इज इंडिकेटेड बाय इंसर्टिंग द रोज एंड कॉलम विद द नंबर लेटर, लुक एट द मोटिव। इस तरीके से इसको इस तरीके से शो करता है, जैसे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री पहली रो, कॉलम वन ऐसे होगा, कॉलम जैसे होता है रोज आपके हॉरिजॉन्टल होती हैं, ए टू वन, ए टू थ्री, और ए टू टू और ए टू थ्री। ठीक है, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट द रो नंबर ऑफ द एलिमेंट, सेकंड डिजिट हमेशा कॉलम नंबर पता करता है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उसमें आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस बताना है कि फर्स्ट आपका ऑर्डर है टू इज टू वन, फिर आपका है थ्री इज टू टू, फिर इसका है दूसरे तीसरे का है आपका एक्स मैट्रिक्स का आपका है टू इज टू थ्री, और फिर लास्ट पी कैरेक्टर्स का आपका टू इज टू टू है। तो ये आपको इसमें ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन टू अकॉर्डिंग लोकेशन, किन लोकेशन के हिसाब से सबमिट करना है। यही आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली आते हैं, जबकि जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं जो इसमें अरेंज हो सकते हैं आपके डिफरेंट क्वांटिटीज में, थस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड द कॉलम। मतलब कि इसका अगर वन 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 बाय वन है ऑर्डर, तो इक्वल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टू बाय टू, थ्री बाय थ्री, तो ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कि इसका ऑर्डर जो है इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज एन अनईक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल। अनईक्वल उसके रॉज और कॉलम होते हैं, जैसे वन और टू,
थ्री और वन, टू और थ्री एंड थ्री और टू, ठीक है। फिर आपका है दूसरा प्लेस है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी इसमें सिर्फ एक रो होती है, द रो में है ओनली अदर, उसके ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं लेकिन उसके रोज जो है कि वो सिर्फ एक ही होगी रो कॉलम में। और कॉलम मैट्रिक्स आपका उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है रो मैट्रिक्स का, कि इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, इसके रोज बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर मोर देन वन हो सकते हैं इसके रोज। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपके सिर्फ एक कॉलम होता है और रो मैट्रिक्स में आपका सिर्फ एक रो होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हैज सम नंबर ऑफ द कॉलम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू डायगोनल एज शोन बिलो। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास काफ़ी सारे दो डायगोनल्स होते हैं, एक ऐसे डायगोनल, तो आपका ऐसे दो लाइन हो जाते हैं तो क्रॉस बनता है। एज द केस ऑफ पैरेललोग्राम, वन ऑफ द डायगोनल रन फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। द डायगोनल रन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट टू द कॉर्नर। द डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज अलोंग द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। क्या इस डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है कि वो जो डायगोनल होती है उसमें सिर्फ नॉन जीरो नंबर होते हैं, बाकी सारे नंबर जीरो होते हैं इसमें। जैसे आपको एग्जाम्पल देख रही होंगी, इसमें सारे नंबर नॉन जीरो, एक सिर्फ डायगोनल है बाकी सारे जीरो नंबर है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, इसमें सब क्या होता है आपका जो डायगोनल होता है वो सेम नंबर के होता है। जैसे देखें, टू टू है एक डायगोनल, बाकी सारे जीरो हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं डायगोनल में, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपके नंबर सेम होने चाहिए। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स इफ़ टू कंडीशन सेटिस्फाई। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि टू कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए मैट्रिक्स को, कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा वो सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो मैट्रिक्स के हैं वो इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑल्सो इक्वल होने चाहिए। इसी एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी, हम कंपेयर करते हैं दोनों का ऑर्डर, देखें इन दोनों का ऑर्डर सेम है, देखें टू बाई टू, दोनों का टू बाई टू है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, आप कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू टू मैट्रिसेस। के वन टू आपका टू है तो फाइव मल्टीप्लाई बाई टू टू होता है, ट्वेल्व आपका थर्टी सिक्स अपॉइंट थ्री होता है, फिफ्टीन आपका थ्री फाइव बाई थ्री होता है, फोर्टी ट्वेंटी आपका फोर्टी अपॉइंट टू होता है। सर सेकेंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली करते हैं दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी को, मतलब उनकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे एक बाय एक होगा तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपका एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपकी है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, टू और मोर मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज यूजफुल व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैव टू बी एडेड साइमल्टेनियसली व्हेन टू मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज एडेड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसमें आपके बेसिकली ऐड होते हैं एलिमेंट, इसमें भी पहले होते हैं, पहले हम कंपेयर करते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर इनको ऐड करते हैं। जैसे ए प्लस बी आपका इस तरीके से होगा, वन वन का इसका पहला नंबर इसका पहला नंबर मल्टीप्लस होगा, उसका पहला नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर टेन प्लस वन, टू प्लस फाइव, थ्री प्लस थ्री और फोर प्लस एट, इस तरीके से आपका ए प्लस बी सब वो प्लस हो जाएगा। क्या आपका अच्छा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है, वन मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द सेपरेटेड फ्रॉम द अदर इफ दे हैव सम सेम ऑर्डर। वन वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिक्स इज सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द टू। जैसे ही हमने मल्टी माइनस किया था, अब हम उसको वो जैसे प्लस किया था हमने दोनों मैट्रिक्स को, अब हम उनको माइनस कर रहे हैं। पहले तो हम सबसे पहले उन लोगों का ऑर्डर देखेंगे कि क्योंकि ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपका मल्टीप्लाई अगर आपको वो करना है, आपको इक्वालिटी शेयर चेंज करनी है, अगर आपको एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको पहले उन लोगों के ऑर्डर देखने पड़ेंगे कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सब ऑर्डर देखेंगे सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स में सेम है। देखें क्या हुआ, आपने क्या किया, देखें 12 माइनस एट उसका भी सेम है, 20 माइनस फाइव, फाइव माइनस सिक्स और 10 माइनस टेन, तो ये एक का फाल का आंसर आ गया 4, तीसरा आ गया 15 और माइनस वन माइनस अनदर वे इज कॉल्ड द एड द इनवर्स टू बी यूज टू ए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, अगर वो बोला जाए आपसे क्वेश्चन में कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो तो कैसे होगा, आप क्या करोगे, आप इसको सबको माइनस कर दोगे। देखिए तो सारे नंबर्स आपने माइनस ए माइनस बी था तो ये सारे नंबर उन्होंने बी के माइनस कर दिए।
टू फाइंड ए माइनस बी, वी एट द इनवर्स ऑफ बी टू ए आई ए माइनस बी ए प्लस माइनस बी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर ये आ सकता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आपको निकालने को आ सकता है। तो ये इस तरीके से हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छा आपका ये प्रेजेंटेशन कर हो गया है ना। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। चैप्टर काफ़ी छोटा है और ये है नया, सो आई नो उसको समझने में थोड़ी सी नई चीज़ें, तो यू विल टेक टाइम बट ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे, आप समझेंगे, आप इसको मतलब कि इस वीडियो को अगर सही से समझेंगे देखेंगे तो आपको आई होप ये चैप्टर और वीडियो समझ में आई हो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी चीज़ कुछ भी समझ में ना आई हो तो आप मुझसे क्लासरूम में पूछ सकते हैं, जी सूट पर पूछ सकते हैं, किसी कहीं पर आप मुझसे आपको जी सूट पर मैसेज पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।